हज़रत मर रदील् तौ के दौर में जब कहत पड़ा मदीने में और अतराफ़ में यह तारीख का सख्त तरीन साल है तो आपने पूरा कहत का ज़माना कसम कर ली अपने ऊपर के गोश्त नहीं खाऊँगा पनीर नहीं खाऊँगा घी वाली रोटी नहीं खाऊँगा खुश्क टुकड़े चबाते अवाम के साथ बैठ के आज जबकि मुल्क मुआशी बहरानों में मुबतला है हुक्मरानों के तर्ज़ ज़िंदगी और उनकी आनी जानियाँ आप देखें हज़रत उमर का नाम लेना आसान है लेकिन उनका तर्ज़ हकूमत देखिए आप उनयाम के अंदर अपनी इजवाज के यहाँ भी नहीं जा रहे थे रातों को गश्त किया करते थे एक सफ़र से वापस आ रहे थे तो रास्ते में रात का क्या किया तो देखा कि एक बच्चा रोता है और माँ चुप करवाती है तो मालूम किया कि यह बच्चा क्यों रोता है तो माँ ने बताया कि उमर ने माहाना वजीफा मुकर किया है अपनी रियाया के हर फर्द का लेकिन जो दूध पीते बच्चे हैं उनका वजीफा मुकर्र नहीं किया हुआ तो मैं इस बच्चे को दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे का वजीफा भी मुकर हो जाए तो हज़रत उमर रोए और उसी वक्त ऐलान करवा दिया कि आज से दूध पीते बच्चों का वजीफा भी मुकर है रोए जा रहे थे और साथ कहे जा रहे थे उमर तूने कितने बच्चों का हक हाँ मारा है तूने कितने बच्चों का हक हाँ मारा ये हजरत उमर अल्लाह त कुफार के लिए उनकी सख्ती एक वो आप कबाब है अबुल खुवैसरा हो या मुनाफिकीन या वो शख्स जो हुजूर को कहता है आप अदल कीजिए या हुजूर के फैसले का जो इनकार करता है और हजरत उमर की तलवार कैसे फैसला करती है एक वो पहलू है और दूसरा रियाया के लिए हजरत उमर की ये नरमी दिल के अंदर ये दिक्कत और ये प्यार ये उमर ने ही फलाही रियासत का तस्वूर दिया था जिससे अपनी रियाया को इस तरह से सहूलत दी जाती है इसलिए इस्लाम का निज़ाम रामत ही हमारी जिंदगी की खूबसूरती की जमानत है साहिब हमने कई रंगों की जमहूरीतें भी देख ली। मार्शल माशा के नज़म भी हमने देखे हमारे दर्द का मदावा कहीं भी नहीं है और आज फिर आप उसी से इलाज ढूंढ रहे हो जो बीमारी का सबब और ज़रिया हुआ मीर भी क्या सादा है कि बेमार हुए जिसके सबब उसी तार के लोंडे से दवा लेते हैं इस जमहूरीत ने हमें दिया क्या है इन दिनों के अंदर जो तमाशा मुल्क में लगा रहा कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा नहीं है कहते हैं कि यह बेहतरीन इंतकाम है यह क्या इंतकाम है यह तो आवाम से इंतकाम है और तुम्हारे अकाउंट बढ़ते हैं और तुम पैसे भर के जो है वो दीगर अंदर शिफ्ट कर देते हो और इस गरीब आवाम से जो तुम बदला लेते हो गरीब अवाम तो वहीं की वहीं है यह मुख्तलिफ रंगों की जमहूरियतें यह मुख्तलिफ रंगों की मार्शल मुख्तलिफ रंगों के निज़ाम इंसानियत को कुछ नहीं दे पाएंगे आप बताओ तुझका आया है बताऊँ रमजलमूक सल्तनत अकवाम गालब की एक जादूगरी ख्वाब से बेदार होता है यहाँ महकूम अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की सहारी देवेदाद है जमहूरी कबाब पाए कोप तू समझता है जिसको आज़ादी की नीलम परी यह नीलम परी आज़ादी की नहीं है यह जबर व्तबदात का देव है जिसने ऊपर ओढ़ना ओढ़ा हुआ है जमहूरीत का अंदर वही खौफनाक चेहरा है यह जमहूरियत हमारे दर्द का मदावा नहीं है यह जमहूरियत हमारे दुखों का इलाज नहीं है हमारे दुखों का मदावा है तो वह निज़ाम खिलाफत है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और कौम को सबसे पहले बाशर बना करके अफराद और इजालिकात तैयार करके उस नहज तक क्यों नहीं ले जाया जाता जब संत ही हमने दुरुस्त मुंतखब नहीं की है तो जितना तेज़ भागेंगे मंजर से दूर होते चले जाएंगे इसलिए इस्लाम का निज़ाम खिलाफत जिसने पुरन जिंदगी का नूर दिया है इस्लाम का खिलाफ राशद का दौर दुनिया की तारीख का सुनहरा दौर है तो हजरत उमर का ज़मानत देखिए उनका अंदाज़ हुक्मरानी देखिए फलाही रियासत का वो तस्वूर देखिए इंसानियत के हकूक जो उन्होंने दिए ये इंसानियत के हकूक़ के चार्टर के अंदर जो बातें लिखी हैं ये चरबा हज़रत हज़रतमर से लिया गया है और ये सबसे पहले कौल हज़रत हज़रतमर का ही था कि इंसानों को उनकी माओ ने आज़ाद पैदा किया है किसी को हक नहीं है कि उनको ग़ुलाम बना सके तो इंसानी आज़ादी का वो तसवर इस्लाम ने दिया है कि मोहम्मद से वफ़ात तो तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं वाल